बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्निल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा यंतज़िरु अहदुकुम इल्ला गिनम मुतगियन औ फ़क़रम मुनसिया औ मरज़म मुफ़सिदन औ हरमम मुफ़निदन औ मौतन मुजहिज़न أبي الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أبي الساعة والساعة أدهى وأمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عن رواية فرماتے ہیں आका इनामदार सरवर कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बादिरु बिल आमाल सर्रन, कि तुम सात आमाल में जल्दी करो। मा यंतज़िरु अहदुकुम इल्ला गिनन मुतगिया, तुम में से कोई एक किस चीज़ का इंतज़ार करता है सिवाय इसके कि उसे मालदारी मिले, ऐसी मालदारी जो उसको सरकश बना दे, और फ़क्र मुंसिया, या वो इंतज़ार करता है ऐसे फ़क्र का कि जो उसे सब कुछ भुला डाले, और मरज़म मुफ़सिदा, या वो इंतज़ार करता है ऐसी बीमारी का जो उसके जिस्म को फासिल कर दे, ख़राब कर दे, और हरमम मुफ़निदा, या वो इंतज़ार करता है बुढ़ापे का जो सठिया दे, और मौतम मुजहिज़ा, या वो इंतज़ार करता है मौत का जो उसे इस दुनिया से कूच करवा दे, अबिद दज्जाल, या वो इंतज़ार करता है दज्जाल का, फ़द्दज्जाल शर्र गाइबिन युंतज़र, फ़द्दज्जाल गायब में से बुरा है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, अविस्सा, या वो इंतज़ार करता है क़्यामत का, वस्सातु अदहा व अमर, और क़्यामत खौफनाक और होलनाक हकीक़त। इस हदीस मुबारका में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरफ तरगीब दी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तुम्हें ज़िंदगी अता फरमाई है, और जो तुम्हें सेहत अता फरमाई है, और जो तुम्हें फरागत अता फरमाई है, इसको अपने लिए गनीमत जानो, और इस ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड को कीमती बना लो, और इसके अंदर अपनी आखिरत के लिए तैयारी करो ताकि तुम्हारी आखिरत जो है वो बन जाए। तो फरमाया कि नेक आमाल के करने में एक दूसरे से आगे बढ़ो, बादिरु बिल आमाल, आमाल के अंदर एक दूसरे से सबकत ले जाओ, आगे बढ़ो, इससे पहले कि ये सात चीज़ें तुम्हारे ऊपर आ जाएं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तकीन। सारे इंसानों को खिताब करके अल्लाह ने फरमाया, इंसानों सारिउ, दौड़ लगाओ, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, किसकी तरफ, इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, और जन्नत की तरफ, अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़, जिसकी वसअत और कुशादगी आसमान और ज़मीन से कई गुना ज़्यादा बढ़ कर के, और वो जन्नत किसके लिए तैयार की गई है, उइद्दत लिल मुत्तकीन, फरमाया कि वो मुत्तकीन के लिए अल्लाह ने तैयार की। इसी तरह फरमाया कि फ़स्तबिक़ुल खैरात, खैर के कामों में, नेकी के कामों में, भलाई के कामों में मुकाबला करो, और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। सूरह मुतफ़िफ़ीन के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वफ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, फरमाया कि ये चीज़ें हैं, पहले जन्नत की नेमतों का जिक्र किया,
और उसके बाद फरमाया कि ये चीज़ें हैं कि जिनके अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे से सबकत ले जानी चाहिए। तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर इस बात की तरकीब दे रहे हैं जिसकी तरफ अल्लाह ने कुरान के अंदर इशारा फरमा दिया कि आगे बढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमा रहे हैं कि आगे बढ़ो और इस ज़िंदगी को, इस सेहत को और इस फरागत को अपने लिए गनीमत जानो, इसलिए कि नफ्स और शैतान ये दो इंसान के दुश्मन हैं और ये मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसान को वरगलाते रहते हैं, बहकाते रहते हैं। अब शैतान जो इंसान के ऊपर आकर के वार करता है, तो फरमाया कि उसका वार का तरीक़ा जो है वो हर एक इंसान के लिए मुख्तलिफ है। मुसलमान के लिए तरीक़ा वारदात अलग और काफिर के लिए अलग, और मुसलमानों में जो ज़्यादा नेक हैं उनके लिए अलग और जो आम हैं उनके लिए अलग। किसी भी मुसलमान, किसी भी ईमानदार मर्द औरत के पास आकर के शैतान जो है जब उसको नेकी से रोकता है तो इस तरह से नहीं रोकता कि तुम ये नेक काम ना करो, इसलिए कि उसे ये मालूम है कि मुसलमान मोमिन मर्द औरत चाहे कितने ही किया गया गुजरा क्यों ना हो, लेकिन वो नेक अमल को बुरा नहीं समझता। इसलिए शैतान जो है आकर के जो वार करता है तो ये कहता है कि नेक अमल करो, नमाज पढ़ो, सदका ज़कात करो, ये सारे काम करने चाहिए लेकिन कल से करेंगे। और जब कल आती है तो कहते हैं चलो भाई कल से शुरू कर देंगे, कल से नमाज पढ़नी जो है वो शुरू कर देंगे, कल से सबका खैरात शुरू कर देंगे। अगर कोई अच्छी बात, नेक बात किसी नेक इंसान की पले पड़ गई और इंसान ने ये इरादा कर लिया कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है तब्दीली लानी है और सही रास्ते पर चलना है, तो शैतान कहता है ठीक है चलना है लेकिन चलो शुरू कर देंगे। तो इस तरह कल पे टाल टाल करके पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और इंसान जो है उस नेक अमल से महरूम रहता है। तो इसलिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, मा यंतज़िरु अहदुकुम इल्ला गिनम मुतगिया, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, क्या तुम ऐसी मालदारी का इंतज़ार करते हो कि जो तुम्हें सरकशी के अंदर डाल लें। एक इंसान के पास जो है माली एतबार से वो थोड़ा सा कमज़ोर है, माल उसके पास कम है, दौलत कम है या कम नहीं है, उसे वो और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, तो वो ये कहता है कि चलो थोड़ी सा माल के अंदर इजाफा हो जाए तो फिर उसके बाद जो है नेक अमल कर लेंगे। पर मैं कि तुम अगर इस तरह माल को बढ़ाते रहे और माल के अंबार तुम्हारे पास जमा हो गए तो ऐसा ना हो कि ये माल तुम्हें सरकशी के अंदर मुबतला कर दे। इसलिए कि जिन लोगों के पास माल और दौलत आती है तो फरमाया कि वो अक्सर जो है वो सरकशी के अंदर मुबतला हो जाते हैं। तो इतनी गिना का इंतज़ार ना करो कि जो तुम्हें सरकशी के अंदर मुबतला कर दे, बल्कि जिस हाल के अंदर हो इसी हाल में नेक आमाल करते जाओ और नेकी के अंदर आगे बढ़ो। और फ़क्र मुंसिया, फरमाया कि तुम किस चीज़ का इंतज़ार करते हो, ऐसे फ़क्र का, ऐसी तंगदस्ती का कि जो तुम्हें हर कुछ भुला दे। एक इंसान जो वो आसूदा हाल है, उसके पास खाने पीने के लिए सब कुछ मौजूद है, हर तरह की नेमतें उसके पास मौजूद हैं, तो वो कहता है जी चंद दिन जो है ये ऐश इशरत से गुजार लें, मस्तियाँ कर लें, तो फिर बाद में जो है नेक अमल कर लेंगे। अल्लाह ने उसको माल दिया है, वो कहता है अभी मौजें उड़ा लो और फिर उसके बाद जो है खर्च कर लेंगे, अल्लाह के रास्ते में दे देंगे। तो फरमाया कि तुम कब दोगे, जब तुम्हारे ऊपर फ़क्र फाका आ जाएगा, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो उस वक़्त अगर तुम जो है नेकी करना भी चाहोगे और ख़र्च करना भी चाहोगे तो नहीं खर्च कर सकते, नेकी करना भी चाहोगे तो नहीं कर सकते। जब तुमने आसूदगी के ज़माने में, खुशहाली के ज़माने में नेक अमल न किया, तो जब ऐसे फ़क्र फाका के अंदर मुबतला हो जाओगे कि तुम्हें सब कुछ भूल जाए और तुम्हें अपनी जान के लाले पड़ जाएँ, तो वहाँ पर फिर तुम किस तरह नेक अमल करोगे। और मरज़ मुफ़सिदा, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तुम्हारे जिस्म के अंदर कुव्वत मौजूद है, ताकत मौजूद है, तुम नेक आमाल कर सकते हो। और इस वक्त अगर तुम नेक आमाल के अंदर जो है सुस्ती बरतोगे और उसको कल के ऊपर टारोगे तो कब नेक अमल करोगे, जब तुम्हारे ऊपर बीमारी हमला कर देगी, ऐसी बीमारी मरज़ मुफ़सिदा जो तुम्हारे जिस्म को बर्बाद करके रख दे, तुम माजूर हो जाओ। किस वक्त तुम्हारे ऊपर बीमारी हमला कर ले, कब बीमारी आ जाए, किस किस्म की बीमारी आ जाए, उस बीमारी के अंदर तुम अमल करना चाहो भी तो न कर सको। तो इसलिए फरमाया सेहत को गनीमत समझो
और इसके अंदर जो है नेक आमाल के अंदर एक दूसरे से सबको दिलानी थी और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين